بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد सूरत अल-फज्र इब्तदा सूरे की सूरत अल-फज्र से है, बस उसी मुनासिबत से इसका नाम सूरत अल-फज्र है, जो इम्तियाज और अलामत के तौर पर है। चंद चीज़ें जो अल्लाह ताला की कुदरत का नमूना है, सारी कायनात अल्लाह की कुदरत का नमूना है। अल्लाह की शनाख्त और अल्लाह की पहचान अल्लाह की पैदा करदा चीज़ों के ज़रिए से ही अल्लाह ताला ने बतलाई है। इसलिए हुक्म भी है कि तुम अल्लाह ताला की खल्क में, मखलूक में, चाहे हैवानात हो या नबातात हो या जमादात हो या जो भी हो, इन चीज़ों में गौर करो तो तुम्हें तुम्हारा रब, तुम्हारे रब की ताकत, तुम्हारे रब की कारसाजी, तुम्हारे रब की हकीकत का पता तुम्हें चलेगा। तो गया इंसान के अकल की तालीम और तरबियत करते हैं कि एक मामूली अकल से भी इंसान अपने रब के वजूद को जान सकता है, तौहीद का खायल हो सकता है। जो हो नहीं रहा है ये इंसान की गफलत है, उसकी गफलत को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने अपने कलाम पाक के ज़रिए से इन चीज़ों की वजाहत फरमाई है। सब फरमा कर जिक्र किया, इन सारे चीज़ों को एक जगह खुलासे में जमा करो तो जितने असमाए हुस्ना हैं, जिसको हम नन्हेनो कहते हैं, गिनती पर उससे ज़्यादा निकलती है। वो आसमान दरअसल अल्लाह के काम है, यानी अल्लाह के काम को जानो, उसका वास्ता दो, उसका हवाला दो, उससे रुजू हो जाओ। कुरान की सिर्फ 500 आयतें ऐसी हैं जो 6666 जो बतलाई जाती हैं आयतें, उसमें से सिर्फ 500 आयतें ऐसी हैं जो दीन इस्लाम की शरीयत, दीन इस्लाम का क़ानून, दीन इस्लाम का दस्तूर जिसमें बनता है, जिस पर अमल करना है। माँ बकिया ने 6000 से कुछ ज़ायद ही आयतें, ये सब के सब क्या हैं? उन 500 आयतों से जो साबित होने वाला हुक्म है, पूरी शरीयत दीन इस्लाम है, उस पर बाकी रहना क्यों है, बाकी रहने के तरीक़े कैसे हैं, जो समझ गए वो बाकी रहे, वो अल्लाह के बंदे कहलाए जो तुमसे पहले भी थे, जो उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिए अल्लाह के नाफरमान बंदे कहलाए। बंदे तो हर हाल में, फरमाबरदारों के नाफरमान, मुसलमानों के गैर मुसलमान, सब अल्लाह के बंदे। इसी एतबार से अल्लाह ताला की ज़ात रहमान है, फरमाबरदार को भी खिलाती पिलाती है, बाकी रखी है, ज़िंदगी दी है, जिसकी ज़िंदगी दी है उसकी पूरी की पूरी तकमील फरमाते हैं नाफरमान बंदे को। इसीलिए दीन इस्लाम के अंदर भी सदक़ात और खैरात की ख़ास कसम, ज़कात और सदक़े फ़ितर, ये सिर्फ दो सदक़े जो मुसलमानों में बटेंगे, मुसलमान निकालेगा, मुसलमानों में बांटेगा। किस कसम के मुसलमान, वो तफसील बतला दिया। इन्नमा सदक़ातिल फ़राई
والمساكين ولا عاملين بلا اپنا مسکین کو فقیر کو مسافر کو قرضدار کو اس کی پوری تفصیل بتا دی. ماں بقیر جو صدقے ہیں شب و روز ہیں وہ بلا کسی فرق کے صرف انسانیت کی بنیاد پر, چاہے فرما بردار ہو کے نا فرمان ہو, مسلم ہو کے غیر مسلم, انسانیت کی بنیاد پر. یہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے, وہ ان کا کام بھی وہی ہے, سب اللہ کے بندے. تو ماں باپ جو قرآن ان ساری چیزوں کی تفصیل پیش کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کس قسم کے اعمال سے بندے کے کس قسم کے اعمال سے راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں اس کا تذکرہ, اور ناراض کس چیزوں سے ہوتے ہیں, کس وجہ سے ان کے اوپر وبال آتا ہے, عذاب آتا ہے, مصائب کو ڈالے جاتے ہیں, آفات وغیرہ میں گھیر دیا جاتا ہے. مطلب ہے کہ یہاں پر چند چیزیں ذکر کی ہے, صرف یہی چیزیں مخلوق کی اہم نہیں, مخلوق کی کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ہے. لہٰذا ہر جگہ مختلف چیزوں کا ذکر کر کر یہاں پر چند خاص چیزوں کا ذکر ہے. فجر کی قسم, 10 راتوں کی قسم, 10 راتوں میں شفا والی رات کی قسم, ان 10 راتوں میں وتر والی رات کی قسم, اور رات کی قسم جب چلے جاتی ہو, ان چیزوں کی قسم کھا کر آنے والی بات کو بتاتے ہیں کہ عقل سے غور و فکر کرو. عقل مند کے لیے کافی ہے اپنے خالق کو مالک کو جاننے کے لیے. یہاں سال بھر کے 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے, اس کے ابتدائی 10 دن کے متعلق خصوصیت کے ساتھ تذکرہ ہے. دین اسلام کی آمد سے پہلے بھی, یعنی دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے بھی, مشرکین مکہ کے پاس ذوالحجہ کی اہمیت تھی, ذوالقعدہ کی تھی, رجب کی تھی, محرم کی تھی. تھی کیوں تھی؟ اس لیے کہ ان کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر ہی قائم ہیں, باقی ہیں. یہ جو برہمن ہیں, برہما ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے, ان کا بھی ابھی تک بھی دعویٰ ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے دین پر قائم ہیں. یعنی ہم حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل ہیں. فرق بگاڑ کا ہے, ایمان کے لانے کا نہ لانے کا, ایمان کے لانے کا نہ لانے کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 چچا تھے, عربی میں تایا اور چچا ایسا فرق نہیں ہے, والد کے بڑے بھائی ہو کے چھوٹے بھائی ہو اس کو ہم کہتے ہیں بس چچا. ہمارے پاس اردو میں فرق ہے, والد سے چھوٹے ہوں تو چچا, والد سے بڑے ہوں تو تایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم سب سے چھوٹے تھے, ان سے اوپر اور 9 بھائی تھے, سب سے بڑے حضرت حارث تھے. ان تمام چچاؤں میں ابو لہب بھی ایک ہیں, بحیثیت خاندان خونی رشتہ ناتا سب سے زیادہ. جب بچے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہونے تک بھی سب سے زیادہ چاہتے بھی تھے ابو لہب. جب دین اسلام کا پیام پہنچا
दावत दी गई तो सबसे ज्यादा मुखालिफ हुए। बिलाख़िर कुरान भी नाजिल हो गया उनके बारे में मुस्तकिल सूरह लहब। तब सियादत खानदान की सैयदपन सियादत सिर्फ उसी खानदान को मिली जो जो मुसलमान हुए थे, और जो मुसलमान नहीं हुए उनसे जो नस्ल चली है वो सैयद में दाखिल भी नहीं हमारे इस्लामियत से। तो फर्क ईमान का है, फर्क ईमान का है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के चार फर्जंद थे, एक फर्जंद पूरी तरह मुखालिफ रहे कनान नाम बहसीत बाप बेटे के। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आखिर वक्त तक भी जब वो अजाब में घिर गए भी तो अल्लाह को वास्ता दिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, ऐ रब ये मेरे ख़ानदान का फ़र्द है ना, मेरे घर वालों में का एक फ़र्द है ना। बारहवें पारे में तफसील है, अल्लाह ने फरमाया कि लैसा मिन अहलिक, ये तुम्हारे ख़ानदान का फ़र्द नहीं है। अगर दोबारा अगर तुम ये पूछोगे कहोगे ऐ नूह, तो फिर आपका भी शुमार आम जाहिलों के जैसा हो जाएगा। बात जब समझे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया इन्नी आईज़ुका अन्नकून मिन जाहिली, अब मैं पना मांगता हूँ, ऐसा ना सोचूंगा ना आपसे अर्ज़ करूँगा। बंदे सारे के सारे अल्लाह के, फ़र्क नफ़्से ईमान के साथ है। तो अलगरज ये दस रातों की, ये फजर से मुराद भी ज़ुलहज्जा की फजर, फजर में भी नौ ज़ुलहज्जा की फजर। मुश्रिकीन मक्का भी इनको हुरमत वाले महीने मानते थे, बिगाड़ पैदा किया था, बिगाड़ को दुरुस्त किया इस्लाम में, बिगाड़ को दुरुस्त किया, बिगड़े हुए लोग जिससे अमल करते थे उसको ख़त्म नहीं किया। कुर्बानी वो भी क्या करते थे, कुर्बानी को बाकी रखा, दीन का रुकून है सुतून है बताया उसको, लेकिन कुर्बानी का मतलब जो समझा था उन्होंने उसको ख़त्म किया। काबे की तज़ीम करते थे, तवाफ़ करते थे, तवाफ़ के अंदर तरीक़ा बरहना करते थे, इनके गलत तरीक़ों को ख़त्म किया, एहराम के साथ हुक्म दे दिया, लिबास के साथ हुक्म दिया। तुमने अपने ख्यालात हम रस्म रिवाज की बुनियाद पर जब ये चीज़ है तो ऐसा होना करते, इस बुनियाद के ऊपर कई चीज़ें कायम कर लिए थे। अब दीन इस्लाम की तामीर और तकमील के बाद अल्लाह ने हुक्म दिया कि देखो दीन में जो अल्लाह ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बता दिया इसके ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ नहीं आना चाहिए, वो बिदअत थे। दुनिया में बिदअत सबसे बड़ी नेमत है। बिदअत कहते हैं जो आम चीज़ें चल रही हैं उससे हटकर उसमें एक नई चीज़ निकालना, पैदा करना, वजूद में लाना, दुनिया में एतबार से इस चीज़ का करना सबसे बड़ी काबिल तारीफ है, उसी का नाम दुनिया की तरक्की है। हर इंसान हमेशा हर ज़माने में खाया है, खाने के अंदर नए नए नमूने पैदा करते चलता है इंसान, जो काबिल तारीफ पीछे है उस तरह सारी चीज़ों में। लेकिन दीन के एतबार से उसका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, उसमें हमने अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं बढ़ाना। रोज़ाना नमाज फजर के बाद भी नमाजें रखी गई हैं, सूरज के तुलू होने के 22 मिनट के बाद इशराक़ की नमाज, फिर सूरज और चढ़ जाता है तो चाश की नमाज, इसके अलावा भी अपनी तरफ से इख्तियार करके नमाज़ें पढ़ने का हुक्म है। सिर्फ 5 नमाज़ें नहीं, लेकिन ईद के दिन, ईदुल्फितर के दिन, ईदुल्अज़हा के दिन नमाज फजर के बाद इशराक भी नहीं पढ़ी जाएगी,
सिर्फ ईद की नमाज ही पढ़ी, कोई नमाज नहीं पढ़ना, ये दीन है। ज़माने खिलाफत सैदना अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का है, ईदगाह में एक शख्स उठा ईद की नमाज शुरू होने से पहले, नमाज पढ़ने के लिए रकात बांधने को जा रहा था, हाथ उठाया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको मना किया। तो उसने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, क्या गलत काम कर रहा हूँ, एक दो रकात नमाज ही तो पढ़ रहा हूँ, अजाब तो नहीं होगा मुझे, दो रकात नमाज ही पढ़ रहा हूँ मैं, अजाब तो नहीं होगा ना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये दो रकात तो नमाज पढ़ा तो सवाब भी तो नहीं मिलेगा ना, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया ना तरीक़ा बताया, तो उसको नमाज ही के उनवान से अगर करेगा तो तुझे सवाब भी तो नहीं मिलेगा ना, बेकार है ना। जब ये बेकार है तो ये बिदअत हुई ना। तो इबादत है हुक्म की तामील व तकमील का नाम इबादत है। उसने कहा कि मुझे अजाब तो नहीं होगा ना करने पर, तो आपने फरमाया सवाब भी तो नहीं मिलेगा ना, जब सवाब नहीं मिलेगा तो फिर गुनाह हुआ ना। बात समझा, उसको बिठा दिया, बैठ गया। यानी इश्तबाह चीज़ें इंसान के अंदर जो शैतानी वसवसे जो पैदा करता है, नेक अच्छे तरीके का बहाना लेकर कई नई चीज़ें दाखिल करने लगता है, ताकि असल हकीकत के ऊपर पर्दा धीरे धीरे पड़ता चले जाए। यही कैफियत हुई थी मुश्रिकीन मक्का की, होते होते असल हकायक तकरीबन छुप चुके थे, कुछ कुछ इशारे दिख रहे थे हकायक के, इस्लाम आकर दुरुस्त कर दिया। खाने काबा के तो आपके दरमियान में नाचना, सीटियाँ बजाना, आवाज़ें लगाना, इस्लाम ने आकर मना किया। नवे पारे में तफसीर पेश कर दी उनके बुरे अमल की, अमा काना सलातुहुम इंदल बैती इल्ला मुकाम व तस्दिया, चीखते चिल्लाते आवाज़ें लगाते जैसा आज बुतों के सामने होता था, वही तरीक़ा था। दीन इबादत इसका नाम नहीं, तो आपको बाकी रखा इस्लाम ने, इन गलत दिनों को दुरुस्त कर दिया, दूर कर दिया, उसकी जगह जिक्र लगा दिया, हुक्म दिया। खाने काबा का तवाफ भी इबादत के जैसा, यानी इबादत ही है, लेकिन एक फ़र्क है, नमाज में कलाम बातचीत कर नहीं सकते, दौरान तवाफ बातचीत की जा सकती है, ज़रूरत पर बातचीत की जा सकती है। तो कमोबेश हर इंसान को मज़हब का इकरार है, मज़हबों के अंदर बिगाड़ है, इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि इन दीन इंदल्लाह अल इस्लाम, सारे इंसान दीन के नाम से चल रहे हैं, मज़हब के नाम से चल रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला को जो तरीक़ा पसंद है। अब जो इस तरीक़े पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तुम्हें तरबियत दे दी गई, बता दी गई, जो इस्लाम है, इस तरीक़े पे के ऊपर क़ायम और बाकी रहो। तो पूरे कुरान में कई चीज़ें और अगले सूरों के अंदर भी कई चीज़ों की इस तरह कसम खाते हुए कई चीज़ों का तस्करा आते जाएगा अहमियत देने के लिए। यहाँ पर ज़ुल्हज्जा के 10 दिनों के बारे में, वलयालिल अशर और उसकी 10 रातें, उन 10 रातों में शफा वाली रात, शफा कहते हैं हर वो अदद जो दो पर पूरा तकसीम हो जाता हो, वस्त्र कहते हैं हर वो जो दो पर तकसीम करने के बाद एक बच जाता हो, शायद उर्दू में उसको ताख और जुफ्त, बच जाने वाले अदद को जुफ्त, ताख पूरा तकसीम हो जाने वाले अमल को जुफ्त उर्दू की सलाम कहते हैं, अरबी में अशकू वल वत्र, अशकू वल वत्र, इसलिए 3 रकात वाली नमाज को वित्र कहते हैं, 2 रकात वाली नमाज को अशकू, 3 रकात वाली नमाज को वत्र, अल्लाह की एक ज़ात वहदहु ला शरीक को भी वत्र, वित्र, अल्लाहु वित्रुन युहिब्बुल वित्रा,
हदीस शरीफ में अल्लाह ताला मिस रही एक है। और हर चीज़ में मिस्र को पसंद फरमाते हैं। याद आदत कितना भी बड़ा हो, इस्लाम की ज़िंदगी में बताया कि फिर अपने इस अदद वाली ज़िंदगी जो आपकी अमली ज़िंदगी में, उसमें एक ताक वाला पहलू को पैदा करो। जैसे 50 का अदद का कोई काम चल रहा है तो उसको 51 पर लाओ या 49 पर लाओ, 100 का है तो एक कम पर लाओ, एक बढ़ा कर करो, किसी को देने में, दिलाने में, लेने में, खाने में, पीने में, बस चीज़ों में। सऊदी खासब हरम में हुक्काम इसका अहतमाम करते हैं, रमज़ान के महीने में ख़ास तौर पर वो मुशाहदे में आता है। सारे इफ्तार करने वालों को खजूर के पैकेट देते हैं सबको, या तो 5 रहेंगे या 7 रहेंगे, 6 नहीं रहेंगे, 4 नहीं रहेंगे, कोई एक आध पैकेट निकल गए इससे तो अलग बात है इत्तेफाक से, लेकिन ये अहतमाम के साथ ही वो ताकीद के साथ ही प्याक होता है। हर एक प्याक में 5 खजूर या 7 खजूर, 4 नहीं रहेंगे, 6 नहीं रहेंगे, 8 नहीं रहेंगे। ये ताकत की अहमियत दूर से वही है, यानी हर पहलू में उठने बैठने में अल्लाह ताला की वहदानियत का इजहार का पहलू अख्तियार करता है। लेकिन यहाँ पर जो 10 ज़ुल्हज्जा अशफा है, जिसमें 9 ज़ुल्हज्जा ये है, इसकी भी कसम। इसी तरह रात ला कर फिर निकाल देना, ये निज़ाम बनाने वाली ज़ात अक़दस अल्लाह ताला की, उसकी कसम। इन सारी चीज़ों की कसम खा कर बता सक हल फी ज़ालिका हिजर अखल जी हिजर अखल वाला अखल वाला और फिक्र करने वाला समझने वाला समझने वाले के लिए इसके अंदर कसम अहमियत और ताकीद वाली चीज़ें हैं। ये जिक्र कर कर एक पहलू आप जिक्र करते हैं कि इंसान को अल्लाह को मानने, अल्लाह की इत्तेबा फरमाबरदारी करने का हुक्म है। इंसान हर दौर में, हर ज़माने में अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा, अंबिया के गुजर जाने के बाद फिर ये बिगाड़ पैदा करते चले करते चले। यहाँ चंद नमूनों का जिक्र करते हैं। देखो, आद वालों के साथ तुम्हारे रब ने क्या किया, अलम तरक रुका भी आद। आद एक शख्स है, उससे कौम मंसूब है, कौम आम। आद बेटा है आस का, आस बेटा है इरम का, इरम का। कभी आद से कौम है, आद के नाम से कौम का नाम है, कभी उसके दादा के नाम से इरम का, हम दोनों का तस्करा है। तो देखो, तुम्हारे रब ने कौम आद के साथ कैसा मामला किया, कि आद वो कौम है जो इरम ज़ातिलिमा बड़े बड़े सुतून वाले इरम से, ये इरम भी आदि मुराद है, आद के दादा का नाम है, दादा की तरफ नस्बत है। इरम के बाद फिर एक सिलसिला मिलकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंद साम से मिलता है, तो नूह अलैहिस्सलाम के औलाद में से साम के नस्ल से आने वाले जो इरम हैं, इरम से आस है, आस से आद है, इन लोगों ने बिगाड़ पैदा किया। इनका तस्करे की ख़ास सफा वजह यह भी है कि अरब कौम ये सामियुन नस्ल है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के फर्जंद जो साम हैं उनकी नस्ल से ये अरब है। अफ्रीकी बिलाद जितना है हबशी ये हाम की औलाद से हैं, 3 फर्जंद बचे थे कनान को छोड़कर, हाम साम यापस। साम की नस्ल है ये सारे अरब, हाम की नस्ल हैं ये सारे के सारे हबशी। अब बच जाते हैं यापस, माँ बाकी पूरी की पूरी दुनिया जो लोग हैं उनकी नस्ल ये है यापस की। अब सिलसिले को पकड़ना अगर आसान है किसी के लिए, मुश्किल तो है, बाप के बाप बाप के अब मिलाते चलो तो
इस किस्म के लोग इंतिया पहुँचेगी आपस में, अरबों की इंतिया पहुँचेगी शाम बिन नूह पर, वो आपस बिन नूह पर, फिर उधर हफ्तियों का सिलसिला आगे बढ़ते हुए मिलेगा हम बिन नूह पर। तो आदम सानी उनका नाम है, उससे पहले के सारे इंसानों को ख़त्म कर दिया गया, उनका वजूद को बाकी रखा नहीं गया, उनकी नस्लों को भी बाकी रखा नहीं गया। अब उसके बाद जो नस्ल और दुनिया बाकी है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का सल भाई, अब नूह अलैहिस्सलाम के सर आगे सिलसिले तक हज़रत आदम, उस एतबार से सब आदम के औलाद, उनके सारी के सारी नस्ल ख़त्म कर दी गई सिवाय नूह के। इस एतबार से अब आदम सानी यानी सारे इंसान नूह अलैहिस्सलाम की नस्ल ज़ुर्रियत से हैं, फिर उनके तीन बेटों की तकसीम है सारी की सारी, फिर हर एक की फिर तकसीम होते चले, तो फिर कौम कबीले सब बनते चले। अलगरस ये कब की बात है, खुद इंसान आसानी से समझ सकता है। आज का इंसान मुतवस्सित है, 5 फीट मुतवस्सित, 5 से 6 फीट चल रहा है, 5 फीट से कम वाले को बस खत्म शुमार करते हैं। ये जब का इंसान है कि जो खजूर के दरख्त के बराबर इंसानों का हाइट है, आदम अलैहिस्सलाम का हाइट है अहादीस में 60 हाथ, 2 हाथ का 1 गज। असल इंसान का वजूद उसका कद कामत 60 हाथ को 30 गज बोलो, 1 गज 3 फिट का, तो 90 फिट का मुतवस्सित इंसान, 90 फिट का, 9, 10, 11 फिट चौड़ा, 90 फिट ऊंचा, 11 फिट चौड़ा असल इंसान। ये भी तफसील है कि क़यामत के दिन जब इंसान को उठेंगे तो पूरे इंसानों को दुनिया की इब्तदा से इंतहा तक के लिए आखिरत में ये कद क़ामत यही मिलेगी जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दी गई थी। तो कुदरत ने अमली तौर पर फितरी तौर पर नस्ल के अंबेद के कद क़ामत को घटाते घटाते एक सबक सिखाना पढ़ाना चाहती है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है, कायनात सारी मखलूक ख़त्म होने वाली है, ये बाकी रहने वाली नहीं। तो ये कौम आद भी जो ज़ात इमाद थे, बड़े बड़े सुतून वाले, यानी कि खद खामत थे सुतून के जैसे, उसने मुफसरीन ने एक पहलू ये भी लिखा, शद्दाद भी इसी नस्ल में जो इसने एक जन्नत बनाई थी, बड़े बड़े सुतून बनाए थे चांदी के ईंटों से, फलां के इससे फलां से, सोने के फलां चीज़ों से, लोगों का जहन बनाने के लिए। अजी उस जन्नत का तस्करा होते आ रहा है वो उधार है, नकद का है, मैं एक नकद जन्नत बना देता हूँ। जुल्म ज़्यादती कर कर छोटे से बड़े तक हर इंसान के पास से जितना भी सोना था चांदी था सब ले लिया था, ताकत के बल बोते पर सबको देना ही पड़ा था। रिवायत और तफसील के मुताबिक एक यतीम बच्चे से जब से भी ज़बरदस्ती लिया गया, उस यतीम बच्चे की जो बद्दुआ थी वो कबूल हुई थी वगैरह वगैरह, फिर अल्लाह को जो मंजूर था हुआ। जब सब कुछ करके इफ्तिताह के लिए आगे बढ़ रहा था, कई सवारियों में उस बाग़ से कुनिया थे, दाखिल भी हो नहीं सका, अल्लाह ने उसको उसके बाग को सारे ज़मीन में धंसा दिया, ख़त्म ही कर दिया। तो उस तफसीर में यह भी है कि उस बाग की तरफ इशारा है, ये सब कुछ करने के बावजूद भी क्या अल्लाह ताला उसको बाकी रखा क्या। ये मखलूक ऐसी कि लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद, सारी दुनिया के अंदर उस वक्त की इनके जैसा पैदा शुदा कोई मखलूक थी भी नहीं। जब इतने चौड़े लंबे तो इतने ताकतवर खबी है कल, उस एतबार से मकानात बड़े बड़े पहाड़ों को तराश कर मकान में तब्दील कर लेते थे। फिर उसी नस्ल की दूसरी शाख से निकलते हैं समूद भी, और इसी तरह समूद का हाल जिन्होंने चट्टानों को तराश कर
बड़े बड़े मकान बना दिए वादियों में, इसमें ये भी कौम गुजरी है जिसके सबसे कुरान में जगह जगह है यह सब इशारे के साथ। इसी तरह फिरौन जो किले वाला मेखों वाला खूटी नुमा अगर किला है तो उसको बोलते हैं अवतार, जिल अवतार। सूरह अम्मा तसालून में भी अलग गुजरा वो जालनल जिबाला अवतार था, सारे पहाड़ों पे खूटियों की जैसी शक्ल बनाकर ज़मीन के अंदर गाड़ दिया अल्लाह ताला ने ताकि ज़मीन टिकी रहे और इंसान के काम आ सके। इसको अवतार वाला कहते हैं कि इन्हें अजाबात के जुल्म ज़्यादती के कई नमूने निकाले थे जिसके अंदर एक नमूना ये भी था इंसानों को बड़ी बड़ी खूटियों नुमा बड़े बड़े किलों से उनके हाथों में उनके पाँव को मारकर ज़मीन में थसा देकर ज़मीन के ऊपर लिटा देता, बिच्छू छोड़ता, सांप छोड़ता, जो स्वर्ग के तकालीफ देता, ज़माने तक चला, कई पीढ़ियों के साथ हुआ। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम को भेजकर अल्लाह ताला ने इसका खात्मा किया। और वो फिरौन जो खूटियों वाला था मेखों वाला था, ये लोग भी उस मुल्क के अंदर बड़ी सरकशी करें, बड़ी शरारतें की, पाक सरूफियल फसाद, फसाद और बिगाड़ का कोई नाम बाकी नहीं रखा, सब कुछ कर गुजरे। ये खाली इशारे हैं, तफसील हटे के पीछे तवील है, कुरान जगह जगह जिक्र किया है। इन तमाम के बारे में अल्लाह ने जिक्र कर फरमाते फसब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब। दुनिया एतबार से कितना भी करते आगे बड़े 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 अंजाम क्या हुआ, आखिरकार तुम्हारे रब ने अजाब का कोड़ा उनके ऊपर बरसा दिया। दुनिया के अंदर ही दुनियावी गुरूर को, माल के, दौलत के, इख्तदार के नशे को ख़त्म कर दिया, उसकी तफसील बता दी। यानी दुनिया के बलबोते पर, भरोसे पर, असबाब के ऊपर तुम अपने रब की नाफरमानी, नाशुक्री या गलत काम जिससे जो इंसानियत भी पसंद नहीं करती, तुम्हारा रब भी मना करता है, अगर नहीं रुके तो अंजाम तो आखिरत में होकर रहेगा, दुनिया में भी कई मरता हुआ है होता रहेगा, ये तुम्हारे रब का फायदा है, उसूल है। इन रब का रब मिरसाद, यकीनन आपका रब मिरसाद पर है, रसदगा, उर्दू में यही लफ्ज़ है मिरसाद, रसदगा, यानी ऊंचे मकाम के ऊपर बैठकर हर एक की निगरानी करना, और अर्श के ऊपर मुस्तवी है, सारी की सारी मखलूक के हर एक अमल के ऊपर पूरी तरह देख रहा है, और जब पकड़ना है, गिरफ्त करना है, करेगा, लेकिन ताखिर होने पर ये गफलत में ना पड़े इंसान मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, जब वक्त आएगा तो होकर रहेगा। इन वाक़ियात के ज़रिए से ज़िक्र कर कर इस उम्मत को बताना है या इस आखिर ज़माने की कौम को बताना है कि देखो कुछ भी करो, कितना भी बिगाड़ पैदा करो, कैसा भी कर लेकर जो करो, एक दूसरे पर ज़ुल्म ज़्यादती ये तुम्हारे लिए हरगिज़ अच्छी नहीं है, एक दिन अल्लाह ताला के पास ही लौटना है। अगर यहाँ बचोगे भी तो अल्लाह किससे बचा, अल्लाह मोहलत देता है, आखिरत में तो है, दुनिया के अंदर भी गिरफ्त होकर रहेगी। इसका जिक्र कर कर अब उसके बाद अहम चीज़, इंसान को दुनिया मिली तो क्या समझता है, नहीं मिली तो क्या समझता है, खुशहाली आ गई तो उसकी जो फिक्र रहती है, खुशहाली में तंगी आ गई तो उसकी क्या फिक्र होती है, इन दोनों चीज़ों का मुआजना अगली आयत में किया गया।